हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि जो हमारे पास जो भी पावर बैंक है, मान लीजिए आपके पास कोई भी कंपनी का पावर बैंक है, तो वो आपके मोबाइल को कितनी बार जो है चार्ज कर सकता है। मतलब एक बार अगर पावर बैंक आप इसको फुल चार्ज करते हैं, जैसे कि 50% अभी ये चार्ज है, तो कहने का मतलब ये जो पावर बैंक है आपके मोबाइल को कितनी बार जो है चार्ज कर सकता है एक बार फुल करने के बाद में। तो इसी चीज़ के बारे में जो है नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ, जितनी नॉलेज मुझे इसके बारे में है पता है, शायद ही किसी को पता होगी, क्योंकि मैं एक जो मोबाइल टेक्नीशियन हूँ, मुझे पता है कि जो है पावर बैंक कितना चार्ज कर सकता है, कौन सा पावर बैंक है जो अपनी कैपेसिटी से भी जो है ज़्यादा चार्ज कर सकता है। तो लगातार वीडियो में बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि इसी प्रकार की हमारी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शिवलरी जंगिड़ और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल विश्वकर्मा मोबाइल। मेरे पास दो पावर बैंक है, एक तो है लावा कंपनी का जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और एक है मेरे पास पावर किंग जो कि यूबोन कंपनी का है, जो कि नाम से ही पता चलता है कि चीज़ कैसी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पावर बैंक जो है लावा का, उससे मैं थोड़ा सा जो फोकस कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 13/11/2021 को मैंने पावर बैंक किसी को दिया था, नीचे मेरा साइन भी है। मॉडल इसका PB1001 है और इसका जो कैपेसिटी है 10,000 mAh का यह पावर बैंक है। इनपुट जो लेता है 5 वोल्टेज 2 एम्पीयर इसको इनपुट चाहिए तब ये चार्ज होता है बराबर तरीके से। आउटपुट ये अलग अलग तरीके से रहता है, दो जो पोर्ट है इसके 1 एम्पीयर के देते हैं और जो एक पोर्ट है वो 2.1 एम्पीयर का जो है फास्ट चार्ज देता है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो है पावर बैंक आपके मोबाइल को कितनी बार जो है चार्ज कर सकता है, कितनी बार फुल चार्ज करेगा, कितनी बार नहीं करेगा। तो ये पावर बैंक 10,000 mAh का जैसे कि आप लोगों को पता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपके मोबाइल की बैटरी पे भी ये जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि पावर बैंक कितनी बार जो है आपके मोबाइल को चार्ज करेगा। तो सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपके मोबाइल की बैटरी मान लीजिए 3,000 mAh की है, तो ये जो पावर बैंक है आपके मोबाइल को प्रॉपर तरीके से जो है 3 बार आराम से चार्ज कर देगा, क्योंकि ये 10,000 mAh का, उस हिसाब से आप लोग जो है दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 10,000 mAh है तो इसमें आपके मोबाइल की बैटरी 3,000 mAh की है तो ये 3 बार से ज्यादा जो है चार्ज कर देगा। लेकिन मैं जो इन चार्जर की जो है खासियत बता देता हूँ, वैसे लावा कंपनी का चार्जर सही है, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉपर तरीके से 3 बार जो है आपके मोबाइल को चार्ज कर देगा, थोड़ा हल्का से ज्यादा भी कर देगा। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि जो कैपेसिटी होती है बैटरी की, धीरे धीरे जो है जो बैटरी का जो क्षमता होती है धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, इससे क्या होता है कि बहुत सी बार तो एक बार चार्ज करके ही जो है बिल्कुल ये डिस्चार्ज हो जाता है। कहने का मतलब ये प्रॉपर तरीके से जो है नया, जब तक गारंटी वारंटी के अंदर तब तक बढ़िया तरीके से चार्ज करेगा, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चलने में अच्छा है, इसके सेल अच्छे आते हैं। अगर उससे आप अच्छा लेना चाहते हैं, जैसे कि अभी यूबोन की हम लोग बात कर लेते हैं, यूबोन कंपनी का मेरे पास पावर बैंक है, इसका जो कोड है आप लोग देख सकते हैं PBX12 इसका कोड है। तो कहने का मतलब इसमें जो आपको केबलें साथ में मिलती है और इसके बाद एक पोर्ट भी मिलता है जिसमें आप लोग जो है अलग से केबल लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये भी है जो 10,000 mAh का है विथ 3-in-1 केबल। कहने का मतलब एक जो पोर्ट मिलेगा आपको और 3 केबलें इसमें साथ में मिलेगी जो कि इमरजेंसी के अंदर आपको काम में आएगी, जो कंपनी का मानना है कि आपको इसमें केबल लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, 10,000 mAh का पावर बैंक है तो आपके मोबाइल को यह जो है 3 बार से ज़्यादा चार्ज करेगा। 10,000 mAh है, 3,000 mAh के मोबाइल की बैटरी है तो 3 बार तो चार्ज करेगा ही है, उसके बाद मान के चलिए 1 बार और आपके मोबाइल को चार्ज कर देगा, क्योंकि जो इसकी बैटरी की कैपेसिटी आती है वो इसके लिथियम बैटरी आती है, जिससे होता क्या है कि ज़्यादा पावर जो है इसके अंदर स्टोर होती है, 10,000 mAh से भी ज़्यादा पावर स्टोर हो जाती है इसके अंदर मान के चलिए आप लोग, तो आपके मोबाइल को ज़्यादा चार्ज करेगा और इसका जो चार्ज आपके मोबाइल को मिलेगा ये ज़्यादा देर तक टिकेगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब मेरा ये है कि जो पावर बैंक आप लोग देख सकते हैं दोनों कंपनी के पावर बैंक की, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, गारंटी वारंटी दोनों की है, बस आपको चीज़ देख के लेनी है। अगर आपके पास आपने पहले लावा यूज़ किया है तो आप लोग लावा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपने यूबोन चेक किया पहले, यूबोन अगर आपने पहले यूज़ किया तो वो आप यूबोन भी यूज़ कर सकते हैं, आप MI यूज़ करते हैं MI यूज़ कर सकते हैं। बस यही है कि मेरा सिंपल सा जो मोटिव था आप लोगों को बताना कि अगर 10,000 mAh का पावर बैंक आप लोग ले रहे हैं तो होता क्या है कि ये जो है 3 या 4 बार आपके मोबाइल को चार्ज कर देता है, अगर अच्छी कंपनी का हो, अच्छी लिथियम बैटरी हो, सेल ना हो, लिथियम बैटरी अच्छी चलती है। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, दिक्कत यही रहती है अगर आपने पावर बैंक को ज़्यादा चार्ज लगा दिया तो वो बैटरी जो है फूलने का डर रहता है, और ये जो सेल है वो ख़राब बहुत कम चांस पे होते हैं, मतलब मान के चलिए कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ख़राब होंगे, आपके सेल अच्छे चलते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं। बस ये है कि वैसे दोनों की रेट बराबर होती है, लावा का भी वैसे महंगा है और यूबोन का भी महंगा है, और दूसरी कंपनी के जो अच्छे लेंगे वो भी महंगे आते हैं। लोकल अगर आप ब्रांड लेंगे तो उसके अंदर आपको मिट्टी मिलेगी
और कुछ नहीं मिलेगा, बस बेकार सा। एक बार आपके मोबाइल को सिर्फ चार्ज दिखाने के लिए चार्ज करवा देते हैं, जो आपको नॉर्मली आप लोगों को जो है रोड पे मिल जाते हैं, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे आप लोगों को जो पावर बैंक लेते हैं तो घूमते हाथ में लेके, ऐसे केबल लगाई रहती है उन लोग उसमें, और आप लोगों को जो है चेक करा देते हैं, उससे ना तो चार्ज होता है और फिर वो देने के बाद वो लोग आपको दिखेंगे नहीं, गायब भी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पावर बैंक लेने से पहले अच्छी कंपनी का देखें, ब्रांड देखें अच्छा सा, और गारंटी वारंटी जरूर लें। और बाकी आप लोगों को पता चल ही गया है कि 10,000 mAh है तो कितनी बार चार्ज होगा, और 20,000 mAh है तो कितनी बार चार्ज होगा। अभी ये जो पावर बैंक है 50% चार्ज है, मतलब 2 लाइट इसके अंदर आ रही है अभी, तो 50% चार्ज है, तो आपके मोबाइल को है एक बार से ज़्यादा चार्ज कर देगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में देखिए बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।